इतनी प्रतिष्ठा से बात ONGC की उसी जमाने में होती थी आशीष। अच्छा, ONGC 10.5% का अपटेक और बढ़िया मोमेंटम। एक ऐसी बातचीत करके फॉरवर्ड आया वीरू, SGX निफ्टी ट्रेडर्स से कह रहा है, डरो मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूं। क्या सुबह 150 पॉइंट नीचे वाला एक्चुअल सेशन में देखिए क्या तेजी भारतीय बाजारों में। अच्छा महिरेश जाना चाहते हैं, महिरेश थोड़ी देर रुकिएगा, 2 मिनट आपके पास आ रहा हूँ, भसीन जी जुड़ोगे तो भसीन जी के पास जाऊंगा, उसके बाद महिरेश से जरा कल के जो इवेंट्स प्ले आउट होने उन पर थोड़ी सी बातचीत करनी है। भसीन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। यस यस आशीष जी, कहिए। बढ़िया मोमेंटम बना है भसीन सर, ये और तेजी कहां ले जा रही है हमको? और सर आप ये देखिए, आज का लीडर देखिए भारती, और आपको 2 दिन से टेक महिंद्रा, अशोक लीलैंड, SBI लाइफ, टेक महिंद्रा, देखिए आपको कहा था बाय टेक्नोलॉजी शेयर्स, दे आर नाउ द टाइम, तो आई थिंक दिस इज प्लेड आउट वंडरफुली, और अब रिलायंस इज लीडिंग द चार्ज, सो इंडिया इज इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट, और जैसे आपको कहा द मिड कैप रैली हैज बीन अस्टाउंडिंग, पर्टिकुलरली सम ऑफ द पेपर स्टॉक्स एंड द, तो आई थिंक द मोमेंटम इज स्ट्रांग, स्टे पुट एंड वॉच द वॉलिटिलिटी, जो आपके आपने सुबह ही कह दिया 150 नीचे से 150 ऊपर, कौन सोच सकता था इतनी जल्दी इतना कुछ हो सकता है, तो इंडिया अभी भी आउट परफॉर्म है, और आप कहें तो मेरे पे आज 2 टॉपिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। यस सर, बसीन सर प्लीज। तो पहला मैंने जैसे कहा मेरा ओल्ड फेवरेट है जो अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब मुझे लगता है वोडाफोन का इश्यू सॉर्टेड है, और इस क्वार्टर में सबसे अच्छा निम देगा IDFC फर्स्ट, साथ में उसके जो क्रेडिट बुक और कासा रेशियो है इट विल कम एट द बेस्ट, तो 47.5-48 में लीजिए, स्टॉप लॉस 46.30, पहला टारगेट 50, उसके बाद 52 भी आ सकता है इसमें बहुत जल्दी, और ये ऐसी स्पीड से भाग सकता है कि आप देखते रहेंगे। दूसरा पिक है जो आज अंडर परफॉर्म कर रहा है सेक्टर, लेकिन इस स्टॉक को आउट परफॉर्म करेगा, औरोबिंदो फार्मा, 724 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 709, बट ये मुझे 748-750 का टारगेट दिख रहा है, औरोबिंदो के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होंगे इस क्वार्टर में, दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और थोड़ा कॉन्ट्रेरियन दे रहा हूं, बट आई थिंक फार्मा कैन बी अ वेरी वेरी बिग ट्रेंड सेटर विद औरोबिंदो बीइंग एन आउट परफॉर्मर। बिल्कुल ठीक, तो बढ़िया रह रहे कि वैसे कई सारे फार्मास्यूटिकल मेजर्स में तेजी आ भी रही है, और विंडो फार्मा एक लगाड है, कोई शक नहीं, खबरें हमेशा स्टॉक चलता नहीं, कुछ ना कुछ खबर इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन इस समय भसीन सर मान रहे हैं नंबर्स अच्छे होंगे, और नंबर्स से पहले IDFC फर्स्ट बैंक के भी नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, खरीदारी करने का मन है, और शायद पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है स्टॉक, 50-52 तक के टारगेट्स, और लाइकवाइज अरविंदो फार्मा में ऑलमोस्ट 750 तक का अपसाइड यहाँ पे नजर आता है। थैंक यू सो मच भसीन सर। अच्छा कल के इवेंट्स की मैं बात कर रहा था, उसमें हमने नजारा टेक्नोलॉजीज की बात करी जिसकी बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है, उसके अलावा ध्यान रखिएगा कल से RBI की 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू होगी जो फ्राइडे को, जिसका आउटकम आएगा। लार्जली माना जा रहा था कि भाई स्टेटस को वो एकोमोडेटिव स्टैंड कंटिन्यू होगा, पर लोग कमेंट्री कीनली वॉच आउट कर रहे हैं, और कुछ लोग अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के इंडिकेशन शायद इसी बार पॉलिसी में फ्राइडे को आ जाएंगे। महिरेश ऐसा हो सकता है क्या? तो आशीष जी मेरे 2 ओपिनियन यहाँ पे, एक आई थिंक जो गवर्नर साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि वो सफिशियंट टाइम देंगे मार्केट्स को, इवन इफ ही